गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हेल्पलाइन इंग्लिश वंस अगेन गाइस। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, बहुत अच्छे सजेशंस मिले और मेरा कुछ करने का जज्बा उससे बहुत बढ़ा। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वंस अगेन। और हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। ये दिस इज माई सेकेंड वीडियो इंग्लिश के बारे में। कल हम लोगों ने इज, एम और आर की बात की थी, आज हम थोड़ा सा उस पर लाइट और डालेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, द, ए और एन के बारे में। इज, एम और आर के बारे में मैंने बताया था कि इज का यूज किया जाता है अगर वो चीज एक है, सिंगुलर है, एक वचन में है, चाहे वो खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, बाइक हो, रिक्शा हो, ऑटो हो, अगर वो एक है। लाइक दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है, ठीक। तो अगर वो एक टेबल है तो दिस इज, एक बच्चा है तो दिस इज अ चाइल्ड, एक है। लेकिन अगर चिल्ड्रन है तो वो है प्लूरल, मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं, बच्चा नहीं बच्चे, तो उनके लिए आर का यूज होगा। लेकिन एम का यूज सिर्फ और सिर्फ केवल अपने लिए और किसी के लिए नहीं। आई एम अ टीचर, आई एम फ्रॉम रामपुर, ठीक, आई एम इन रामपुर, या आई एम वेरी हैप्पी, या आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी स्ट्यूपिड, या आई एम वेरी क्लेवर, या आई एम वेरी इंटेलिजेंट, जो भी मैं अपने बारे में बताऊंगा, जो भी मेडिकल या मेंटल या फिजिकल कंडीशन अपने बारे में, तो वो मैं मेंटल या फिजिकल कंडीशंस, अपनी शारीरिक या मानसिक अवस्थाएं बताने के लिए हमें आई एम, आई के साथ एम का यूज करना पड़ेगा। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद महसूस हो रही है या नींद आ रही है। एंड आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है। किसी भी अपनी अवस्था के लिए आई के साथ एम का यूज करें। मैं इस वक्त लखनऊ में हूं, आई एम इन लखनऊ राइट नाउ, ठीक। तो मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, ये सब बताने के लिए हमें आई के साथ एम का यूज करना पड़ेगा। और ही शीट के साथ, एक वचन के साथ इज का यूज, और दे के साथ, वी के साथ, या एक से ज्यादा लोगों या चीजों के लिए आर का यूज करेंगे। ये कोई याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इनको याद रखिए, क्योंकि इनके बगैर गलत हो सकता है कि अगर हम इसकी जगह आर या आर की जगह कुछ और लगा दें या ना लगाएं, तो ना लगाना भी गलत माना जाएगा और गलत तो गलत होगा ही। वेल, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल्स के, द हमें कब लगाना है। हम लोग अमूमन मौसम के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से द, अ और एन लगा लेते हैं। हमने सोचा कि भाई आज मौसम अच्छा है, बहुत दिन होगा, द नहीं लगाया है, तो आज द लगा लो। ऐसा मत करिए। द जब लगेगा, जब लगना होगा, नहीं लगेगा किसी हालत में अगर नहीं लगना होगा। इंग्लिश के रूल्स मैंने नहीं बनाए हैं, आपने नहीं बनाए हैं, हमारे यहां नहीं बने हैं, चाइना के नहीं बने हुए हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। जैसे इंग्लिश में हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। द का यूज जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, चाहे वो भगवद गीता हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ होता है, उससे पहले द जरूर लगता है। द महाभारत, द गीता, द रामायण, यहां तक कि द वेदास, वेदास चार हैं तो द वेदास, ठीक, और द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, बगैर द के इनकी बात करना गलत माना जाएगा। हालांकि लोग करते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप देखिए, कुरान से पहले भी द नहीं लगता है, गीता से पहले भी द नहीं लगता है, किसी और मजहबी किताब से पहले भी द नहीं लगता है, लेकिन लगाया जाना चाहिए उसूलन। ये रूल है इंग्लिश का, मेरा नहीं है। लेकिन इंसान के नाम से पहले और जगह के नाम से पहले द नहीं लगता है। जैसे कि आप मुरादाबाद से पहले द नहीं लगा सकते, आप बरेली से पहले द नहीं लगा सकते, आप लखनऊ से पहले द नहीं लगा सकते कि हम ये कहें कि ही वेंट टू द लखनऊ, ये गलत हो जाएगा। आई एम इन द रामपुर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रामपुर और लखनऊ जगह के नाम है, स्थानों के नाम है, इनसे पहले द नहीं लगेगा। जितने भी यातायात के साधन होते हैं, रिक्शा है, ऑटो है, टैक्सी है, बस है, कार है, ट्रेन है, प्लेन है, शिप है, कोई भी सवारी का, यातायात का साधन जो हम यूज करते हैं, उनसे पहले न अ लगेगा न द लगेगा। आई वेंट टू सिविल लाइन्स बाई रिक्शा, बाई अ रिक्शा नहीं, बाई द रिक्शा नहीं, ठीक। तो इनसे, यातायात के साधनों से पहले द या अ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इसी तरह से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले कभी द या अ नहीं लगेगा। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30, मैं नाश्ता करता हूं सुबह 7:30 बजे। एंड आई हैव लंच एट 2, मैं दोपहर खाना 2 बजे खाता हूं।
तो अ लंच नहीं होगा, द लंच नहीं होगा, ठीक। इनसे पहले और जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इन सबसे पहले द जरूर लगेगा। द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द अजंता एंड एलोरा केव्स, द महाबलेश्वर टेम्पल, या जो भी है, कोई भी किसी मंदिर का नाम हो, मस्जिद का नाम हो, किसी भी ऐतिहासिक स्थल का नाम हो, तो उससे पहले द जरूर लगाएं, ये बेहतर रहेगा। द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, क्योंकि जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली जो है वो एक ऐतिहासिक स्थल है, आज नहीं बना था, आज से सैकड़ों साल पहले बना था। तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनसे पहले द लगेगा, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले भी द लगेगा। द हारमोनियम, द सितार, द गिटार, द गिटार, द तानपुरा, द हारमोनियम, द तबला, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले द लगेगा, ठीक। उसके बाद वो जगहें जिनके नाम में एस आता है, जो अपने आप में एक नहीं है बिल्कुल एक समूह है, जैसे दी एंडमन एंड निकोबार आइलैंड्स, ये एक द्वीप नहीं है, ये द्वीप समूह है, तो इनसे पहले द जरूर लगेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं, ठीक, ये इंग्लिश में रूल्स हैं। द वेदर, वेदर का मौसम की बात जब भी करेंगे, वेदर आप जब बोलेंगे तो द के साथ बोलेंगे। ट्रुथ से पहले द जरूर लगेगा, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ट्रुथ से पहले हमेशा द लगाएं, बगैर द लगाए अगर आप ट्रुथ आप कहेंगे आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, इसका सुनने में अटपटा लगेगा, द जरूर लगेगा। कब नहीं लगेगा, यातायात के साधन से पहले नहीं लगेगा, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर से पहले नहीं लगेगा, जगहों के नाम से पहले नहीं लगेगा, इंसानों के नाम से पहले नहीं लगेगा, लेकिन इंग्लिश में जब रूल्स होते हैं तो एक्सेप्शन जरूर होते हैं, जब नियम होते हैं तो अपवाद जरूर होते हैं। ये जो मैंने आपको नियम बताए ये सिर्फ नियम हैं, लेकिन इनके अपवाद भी हैं कि कब हम द हर चीज से पहले लगा सकते हैं, ये मैं आपको अपनी अगली आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, क्योंकि वो जरा थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पर है, तो मैं आने वाली वीडियोज में जब आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत अच्छी समझ होने लगेगी तब बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे ए और एन की। ए और एन का इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, वो संज्ञाएं जिनकी गणना या गिनती की जा सकती है, अगर वो चीज गिनी जा सकती है, अ ग्लास, ठीक, क्योंकि ग्लास है और इसको हम गिन सकते हैं, अगर 1000 ग्लास भी होंगे तो हम गिन सकते हैं, इसलिए जब एक होगा तो अ ग्लास होगा, ठीक। अ बॉटल, अगर एक बॉटल है और वो गिनी जा सकती है, लेकिन अ राइस या शुगर नहीं हो सकता, क्योंकि राइस और शुगर, चावल और चीनी, इनको हम गिन नहीं सकते, ये गणना करने के लायक नहीं है, इनकी मात्रा होती है, इनकी गणना नहीं होती। हम ये कहते हैं भाई दुकान पे जाकर के आधा किलो शक्कर दे दो, या ये कहते हैं कि 1,00,000 शक्कर दे दो मुझे, तो हम गिन नहीं सकते शक्कर को, चावल को नहीं गिन सकते, आटे को नहीं गिन सकते, दूध, मक्खन, घी को नहीं गिन सकते, ये इंग्लिश में सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो इसलिए इनसे पहले अ या एन नहीं लगेगा, ठीक, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई बॉट सम राइस, मैंने कुछ चावल खरीदे, तो कुछ चावल हो सकते हैं, लेकिन आप कहें कि साहब मैंने 335 चावल खरीदे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि चावलों को हम गिनकर नहीं लेते हैं, नमक को हम गिनकर नहीं लेते हैं कि भाई मुझे 15 नमक दे दीजिए, हम ये कहते हैं थोड़ा नमक दे दीजिए। इस तरह की चीजें जो हैं इनसे पहले ए या एन नहीं लगेगा, इनसे पहले सम लगेगा, थोड़ा कुछ, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में सम। बहरहाल हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं यहां रुकता हूं, आर्टिकल्स के बारे में अगली वीडियो में फिर बात होगी, और उसके बाद हम लोग टेंसेस की तरफ आएंगे, जो कि इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है, जिससे पता चलता है कि हम बात आज की कर रहे हैं, कल की कर रहे हैं, बीते हुए समय की कर रहे हैं, आने वाले समय की कर रहे हैं, कब की कर रहे हैं, तो इसलिए उसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियोज में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये मेरी आज की दूसरी वीडियो है, इसको भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और करेंगे मुझे पूरा विश्वास है, ताकि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, मेरा हौसला बढ़ सके, मैं और ज्यादा हौसले के साथ और जोश जज्बे के साथ आप लोगों को इंग्लिश में जो जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में अवगत कराता रहूं, और आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहूं, और ये आप लोगों के लिए वीडियोज जो हैं आपके घर में बैठकर आराम से देखने के काम आए, क्योंकि आराम से बैठकर सोचने में, समझने में हमें ज्यादा आसानी होती है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।